कामयाब हमेशा वही होता है जो तब्दीली कबूल करता है। याद रखना कि ताकतवर भी मर जाते हैं, जैसा कि डायनासोर जो इंतहाई ताकतवर और दियोहैकल थे, मगर अब दुनिया में उनका वजूद बाकी नहीं रहा। लेकिन दुनिया की एक सबसे पुरानी मखलूक जो अभी तक जिंदा है वो कॉकरोच है। इसकी वजह यह है कि वो बदतरीन हालात में भी रहना जानता है। हयातियात बताती है कि कॉकरोच हर साल अपनी जीनियाती हियत में तब्दीली लाता है और खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेता है। यहाँ से हमें यह सबक मिलता है कि मुश्किल हालात और तब्दीली को कबूल करने वाला ही हमेशा जिंदा रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के इंतहाई जहीन तरीन बच्चे जो 15 से 20 साल गुजरने के बाद भी वहीं थे जहां वो 20 साल पहले खड़े थे, इसकी वजह यह थी कि उन्होंने तब्दीली को कबूल नहीं किया। यही वजह है कि वो फिक्री तौर पर 20 साल बाद भी वहीं के वहीं थे। वो प्रोग्रेसिव नहीं हुए क्योंकि उन्होंने खुद को हालात के मुताबिक ढालना नहीं सीखा। याद रखना कि रुकावटें तो हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, लेकिन उनके सामने हर किसी का जवाब मुख्तलिफ होता है। कोई कंकर को इख्तिताम समझ लेता है तो कोई रास्ते में आने वाले पहाड़ों को भी चीरते हुए रास्ता बनाता चला जाता है। और ऐसा शख्स ही जिंदगी में कामयाबी को हासिल करके तारीख के पन्नों में हमेशा जिंदा रहता है। लिहाजा दोस्तों, वक्त के साथ अपनी सोच को बदलना सीखें। कभी अपनी सोच को एक ही जगह मत रखें। अपनी सोच की ताकत से जमाने को बदलें, ना कि जमाने के ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी जिंदगी को जाय करते रहें। दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो दूसरों को देखा देखी नाकाम हो रहे हैं, जिनके पास समत नहीं है, जिनके पास मकसद नहीं है, जिन्होंने अपने आप को जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। याद रखना कि जिन्होंने कुछ बनना होता है उनका सोचने का जाविया दूसरों से मुख्तलिफ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सोच वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। लिहाजा अगर खुद को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच को बदलो, अपने अंदर के टैलेंट को जानो और वो कर दिखाओ जो आज तक किसी ने ना किया हो। फर्ज करें आपके वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके घर में तालीम और तरबियत नहीं है, वसाइल की कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप मेहनत करते हैं और कुछ बनकर दिखाते हैं, तो आप एक गैर मामूली इंसान हैं। आज मिसाल देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बड़ी बात तब है जब आप मिसाल बनकर दिखाते हैं। और हर वो शख्स जो मिसाल बनकर दिखाता है वो ट्रेंड सेटर कहलाता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पुरानी डगर पर चलने की बजाय नई रिवायात पैदा करें। ऐसा बने कि जिसकी मिसाल दी जाए, लोगों को ये कहना पड़े कि देखो कितने मुश्किल हालात में, कितने महदूद वसाइल में इसने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। और ये सब तब मुमकिन है जब आप खुद को बदलने का फैसला करते हैं, कुछ बनने का अज़्म करते हैं। लिहाजा कुछ ऐसा ज़रूर कर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी मिसाल दी जाए, तुम्हें सराहा जाए, तारीख के सफात में तुम्हें याद रखा जाए। तो उठो, बदलो खुद को और जमाने के लिए मिसाल बन जाओ।